शुक्रवार को जनपद मुरादाबाद में मिलेटर्स जागरूकता शो का आयोजन किया गया, जो कलेक्ट्रेट सभागार से प्रारंभ होकर पीली कोठी होते हुए कंपनी बाग में संपन्न हुआ। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह एवं नगर विधायक रितेश गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि हमारे पूर्वज पूर्व में मिलेटर्स जो श्री अन्न नाम से है उसका भोजन करते थे, जो कि कई अन्य बीमारियों से बचे रहते थे, और आज के अनाज हैं धान गेहूं उनसे कई ज़्यादा होती थी। इसके खाने से अन्य कई बीमारी कम होती हैं, जैसे कैंसर, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी, ऐसे लोगों में वील्स कम होती है। इस रोड शो का उद्देश्य है कि जन जागरूकताओं, उपभोक्ताओं और किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान व उपभोक्ता श्री अन्न के उत्पादन कर सके और बीमारियों से दूर रह सके, स्वस्थ रहे और अपने बच्चों को स्वस्थ रखे, कुपोषण आदि से बचाव हो सके, जिससे स्वस्थ भारत बनेगा। कार्यक्रम का आयोजन कृषि विभाग द्वारा किया गया। इस मौके पर कृषि अधिकारी ओमेंद्र पाल तथा कृषि विभाग अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने जनपद स्तरीय प्रदर्शन रोड शो के द्वारा मिलेटर्स पर लोगों को जागरूक होने की सलाह दी। सर, कृषि विभाग ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मिलेट्स की अवेयरनेस के बारे में हमने आज रैली निकाली है। इसमें उद्देश्य ये है कि किसान को मिलेट्स हुआ है और बाकी जो उपभोक्ता है सामान्य जन है वो मिलेट्स खाने के प्रति जागरूक है। जब वो जागरूक होंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो किसान उगाएगा, उसको प्रॉपर प्राइस मिलेगा। तो इसको एक रोड शो के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, जनरल तक बात पहुँचाने के लिए कि मिलेट्स बड़े जो हेल्दी फूड्स हैं, सुपर फूड के रूप में, उनको अगर लोगों में खाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो हमारे किसान भाइयों को दोनों उद्देश्य। सर, ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये रैली कलेक्ट्रेट से और पंचायत दो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे सर ने बताया कि आज हम लोगों ने मिलेट्स को की जागरूकता करने के लिए किसान भाइयों के ही माध्यम से ये रोड शो हम लोग आज कर रहे हैं, जिससे आम जन को भी मिलेट्स के बारे में पता चले और उसकी उपयोगिता पता चले।